हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी और आज मैं फिर मौजूद हूँ शिशिर सर क्लासेस के ऑनलाइन फोरम पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन फोरम पर भी मौजूद हैं आपके बेटरमेंट के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग जो ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, जो हमारा वीडियो बन रहा है, इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8th के साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स को कंप्लीट किया है। हमने लास्ट वीडियो में शीट को बताया था कि अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस ज्यादा है, 10-11 क्वेश्चंस है, तो 5 क्वेश्चन कम से कम आज करेंगे, उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, चले स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है, आप लोग जान ही रहे हैं, क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन है मैनेजमेंट। पूरी नोट्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को स्टूडेंट पूरी नोट्स को इतने डिटेल में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है कि अब क्वेश्चन आंसर पे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन आंसर हमें मिलेगा। तो केवल एक तरीके से हमें यहाँ पर रिकॉल करना है, रिवाइज करना है बस। चले स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हम देते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी है। जो एनसीईआरटी मेन एक्सरसाइज है उसके हम सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फ्लोट दिया है, वाटर दिया है, क्रॉप दिया है, न्यूट्रिएंट दिया है, प्रिपरेशन दिया है, 5-6 यहां वर्ड दिए हैं, उन्हीं को यूज करते हुए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पर भरना है। तो जो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट, वो क्या है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। सबको पता है, इतना डिटेल में डिस्कस किए कि एक बड़े स्केल पर बड़े फील्ड में एक ही तरह के प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है। मतलब जो हम प्लांट ग्रो करते हैं वो क्या कहलाता है, उसे हम क्रॉप कहते हैं। याद होगा ना स्टूडेंट, मैंने बताया था कि क्रॉप हम गमले में थोड़ी ना उगाएंगे। गमले में हमने 4 पेड़ लगा दिया, वो क्रॉप नहीं है। जब हम खेत में बड़े स्केल पे करते हैं वो क्रॉप है। चले, अब बहुत डिटेल में इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो बार बार वही को हम बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्रॉप को ग्रो करने का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? तो सबको पता है, जो सबसे पहला स्टेप है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नीचे आंसर भी दिया गया है स्टूडेंट, लेकिन हम लोग खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तीसरा यहां पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है स्टूडेंट, वो क्या है? डैमेज्ड सीड वुड ऑन टॉप ऑफ द वाटर। ध्यान हो स्टूडेंट, मैंने इस चैप्टर के पहले वीडियो में नोट्स जब पढ़ा रहे थे तो पहले वीडियो में ही बताया था कि हमें हेल्दी सीड को कैसे पता करें। हम इसे देख के तो बता नहीं सकते कि ये हेल्दी है वो अनहेल्दी सीड है। तो हमने एक तरीका बताया था ना कि सीड को कहां डाल देंगे, पानी में। जो सीड पानी में सिंक कर जाए बॉटम में वो हेल्दी है, और जो सीड बॉटम में सिंक ना करे बल्कि पानी के ऊपर तली पर ही, सरफेस पर ही फ्लोट करता रहे, वो अनहेल्दी है। तो यहां पर हमारा क्या होगा? यहां पर होगा हमारा जो फिलिंग द ब्लैंक, फ्लोट होगा। क्या होगा? फ्लोट होगा। चले अगले पर आते हैं स्टूडेंट, जो हमारा डी है। डी क्या है? फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। बताएं, क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशियंट सनलाइट के साथ और क्या चाहिए? डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या मिलता है? सॉइल से क्या मिलता है? तो हमें पता है स्टूडेंट, सॉइल से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। और क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या? वाटर एंड
न्यूट्रिएंट, एक में वाटर भरेंगे दूसरे में न्यूट्रिएंट भरेंगे, एक में वाटर भरेंगे दूसरे में न्यूट्रिएंट भरेंगे। चले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट। आगे आते हैं मैच द फॉलोइंग, मैच इट पर आते हैं। किस पर आते हैं? मैच इट पर आते हैं। हाँ, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, मैच इट पर आते हैं। चले आंसर भी साथ में दिया गया है लेकिन हम लोग खुद से डिस्कस करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच इट का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलम ए, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ क्या करना है? मैच करना है। खारिफ क्रॉप, पहला कॉलम क्या है? खारिफ क्रॉप। तो कॉलम बी किससे मैच हो रहा बताएं, कॉलम बी किससे किसके साथ मैच हो रहा आप लोग खुद बताएं। यहां पर तो जो खारिफ क्रॉप है क्या वो फूड फॉर कैटल से मैच होगा? नहीं। क्या वो यूरिया है सुपर फास्फेट से मैच होगा? नहीं। क्या वो एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन प्लांट वेस्ट से मैच हो रहा? नहीं। क्या वो वीट ग्राम पी से मैच हो रहा? नहीं। हम लोगों ने पढ़ा खारिफ क्रॉप जो होती है वो क्या होती है? पैडी एंड मैज होती है। क्या होती है? पैडी एंड मैज। तो इसको हम क्या लगाएंगे? इसको ई के साथ मैच करेंगे। किसके साथ मैच करेंगे? ई के साथ मैच करेंगे। अगला है रबी क्रॉप। अब इन सब में से देखेंगे तो हम अभी जस्ट तुरंत यहां पर देख रहे हैं रबी क्रॉप को किसके साथ मैच करेंगे? वीट के साथ। क्योंकि ऐसे याद कर लें स्टूडेंट, खारिफ का जो मेन जो क्रॉप है वो पैडी है। क्या है? पैडी। और रबी का जो मेन क्रॉप है वो वीट है। तो उसके साथ जो है वो ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे। चले तीसरे पर आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। इनमें से केमिकल, इन सारे कॉलम बी में से केमिकल फर्टिलाइजर कौन है? यूरिया एंड सुपर फास्फेट के एनिमल एक्सक्रीटा वेस्ट। तो हमें पता है केमिकल फर्टिलाइजर क्या होगा? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। क्या? यूरिया एंड सुपर फास्फेट। और एक बच रहा चौथा, ऑर्गेनिक मैटर। इनमें से ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर हम यहां पर भरेंगे किसके साथ? ऑर्गेनिक मैटर भरेंगे एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन एंड प्लांट। इसी से मैन्योर बनता है। क्या बनता है? मैन्योर। अभी पढ़े ना, सॉरी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े ना, मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा काउ डंग यूरिन प्लांट वेस्ट, इन्हीं सबसे क्या बनता है? मैन्योर बनता है। तो स्टूडेंट हमारा जो मैच द फॉलोइंग हुआ वो खत्म। आंसर भी सीधे दिया गया है, फर्स्ट के साथ ई मैच हो रहा, सेकंड के साथ डी मैच हो रहा, थर्ड के साथ बी मैच हो रहा और फोर्थ के साथ सी मैच हो रहा। ठीक स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, चलें अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो दिया गया है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें दो एग्जांपल बताने हैं ईच के, किसके? खारिफ और रबी क्रॉप। अभी तो हम लोगों ने मैजिक मैच द फॉलोइंग में पढ़ा, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे दें। जैसे खारिफ का एग्जांपल पैडी मैच दिया गया है, रबी का एग्जांपल वीट ग्राम दिया गया है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर में कई बार आया हुआ है। चले स्टूडेंट एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं जिसके आंसर हमें लिखने हैं, और ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है। क्या है? लॉन्ग आंसर। इसका आंसर बहुत बड़ा जाएगा क्योंकि इसमें चार पॉइंट दिए गए हैं, चारों को हमें बताना है, चारों को हमें लिखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है ये बहुत ही बड़ा इसका आंसर होगा, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है। क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग, इन चारों के बारे में आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो मानी बात है स्टूडेंट ये लॉन्ग आंसर टाइप बन गया। क्या बन गया? ये लॉन्ग आंसर टाइप बन गया यहां पर। तो देखें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पर आते हैं। तो स्टूडेंट क्या हमें यहां फिर से पूरा डिटेल में बताना है? नहीं, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में जब हम नोट्स पढ़ रहे थे तो वहां पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को बहुत डिटेल में पढ़े। तो स्टूडेंट हम केवल रिकॉल करते हैं, आप बताइएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले आपको याद हो हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सॉइल में प्लोइंग, जो फील्ड है खेत है उसमें प्लोइंग करते हैं, यानी लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सबसे पहले क्या करते हैं? लूजनिंग ऑफ द सॉइल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब प्लोइंग कर लेते हैं, जिसे हम टीलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
टिलिंग भी कहते हैं। अब उसके बाद लेवलिंग करते हैं, क्या करते हैं लेवलिंग, प्लोइंग के बाद क्या करते हैं प्लोइंग के बाद लेवलिंग करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े जो है क्रम्स ऑफ सॉयल होते हैं वो एक लेवल में आ जाएं तभी हम उस पे सीड को सो कर पाते हैं, इसलिए लेवलिंग करना जरूरी होता है। तो पहले सॉयल में प्लोइंग करते हैं यानी टिलिंग, देन लेवलिंग करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं वीडिंग, जो वीड उसमें थे उनको निकाल के बाहर कर देते हैं, तब हम सीड को लगाते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, थोड़ा जो है तो यहाँ पर देखते हैं, इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फॉलोड बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। हमें पता है कि जब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं तो ये पहला मेथड है, जो पहला मेथड होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का वो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यहीं से तो स्टार्ट होता है। हमने बार बार बताया है कि हम बिना सॉयल को प्रिपेयर करे सीड को सो नहीं कर पाते, क्योंकि एक बार जब हम फसल काटते हैं तो सॉयल हार्ड हो जाती है, उसे लूज करना जरूरी होता है। दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉयल एंड अलाउ द रूट टू पेनेट्रेट डीप इनटू इट। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर हम सॉयल को लूज कर देते हैं तो जो हम सीड लगाते हैं जब उसमें रूट निकलता है तो आसानी से रूट ग्रो करता है, अगर सॉयल हार्ड होगी तो रूट पेनेट्रेट सॉयल में पेनेट्रेट नहीं हो पाएगा, यानी हार्ड जब सॉयल हार्ड रहेगी तो रूट ग्रो नहीं हो पाएगा। The loosening of the soil help in the growth of several soil microbes, earthworm, etc. ध्यान रहे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सॉयल लूज हो जाती है, हार्ड सॉयल लूज हो जाती है तो उसमें जो पोर है वो बन जाते हैं जिसमें बहुत सारे सॉयल फ्रेंडली माइक्रोब और वर्म रहते हैं, जैसे जो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया हो गया, जैसे अर्थवर्म हो गया, ये सब जो सॉयल जो क्रॉप के लिए अच्छे हैं, जो किसके लिए अच्छे हैं क्रॉप प्लांट के लिए अच्छे हैं, और ये एनरिच करते हैं सॉयल में ह्यूमस और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट को। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलता है, तो ह्यूमस और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट को बढ़ाने का काम करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। हमें पता है प्लांट अच्छे से ग्रो तभी कर पाएगा जब उसे मिनरल और न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे, साथ में वाटर भी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग, ये तो अभी मैंने बताया, या प्लोइंग। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू टॉप, दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। टिलिंग किसमें हेल्प करता है स्टूडेंट, टिलिंग नीचे की जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उसको ऊपर ला देता है, क्योंकि ऊपर की सॉइल से न्यूट्रिएंट एक बार क्या हो चुका होता है एग्जॉस्ट हो चुका होता है, अब नीचे की सॉइल ऊपर आ जाती है तो न्यूट्रिएंट भी ऊपर आ जाता है। तो ये तो था क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड क्या है उस पर आते हैं, सेकेंड है सोइंग, क्या है सोइंग, पेन ले लेते हैं। सोइंग की बात करें स्टूडेंट तो सेकेंड प्रैक्टिस है कि नहीं, सबसे पहली प्रैक्टिस क्या थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जस्ट उसके बाद कौन सी प्रैक्टिस आती है जो सेकेंड हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सेकेंड नंबर पर आता है, वो कौन आता है सोइंग, बोना, पौना नहीं बोना, बीजों को बोना, बीज को क्रॉप फील्ड में लगाना ही सोइंग है। तो सोइंग इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, बिना बीज लगाए क्रॉप होगी ही नहीं, हम लाख का खेत तैयार कर ले बताएं बिना बीज को लगाए खेत में क्या हमारी क्रॉप तैयार होगी, कभी नहीं। क्रॉप कब तैयार होगी जब हम सीड को सो करेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। सोइंग वो प्रोसेस है जिसमें हम सीड को या तो सॉइल के अंदर और या तो उसके ऊपर ही ऐसे छींटते हैं तो वो ग्रो करता है। मेथड हमने लास्ट वीडियो में बताया था ना, नोट्स वाले वीडियो में हमने बताया था ना स्टूडेंट्स, जब हम नोट्स पढ़ रहे थे सीड को लगाने का तरीका प्रॉपर डेप्थ और प्रॉपर डिस्टेंस में, जिसके लिए हम सीड ड्रिल यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं। वही यहां पर बताया गया है कि सोइंग इज यूजुअली डन बाय आइदर अ ट्रेडिशनल टूल और सीड ड्रिल, तो वो बार बार आ रहा है। द ट्रेडिशनल टूल इज शेप्ड लाइक फनल, इट वॉज यूज अर्लियर फॉर सोइंग सीड।
आज के समय में nowadays seed drills that make the use of tractors are used for sowing seed. ट्रेडिशनली हम फनल शेप का एक होता है, पाइप होती है, उसके ऊपर फनल लगा होता है, इस तरीके से ऐसे पाइप होती है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, इस तरीके से कुप्पी टाइप का फनल लगा होता है, उसमें सीड हम थोड़ा थोड़ा उसमें सीड थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो वो सॉयल में क्या होती है, लगती जाती है. लेकिन वो ट्रेडिशनल टूल था. आज के समय में हम सीड ड्रिल यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? सीड ड्रिल यूज करते हैं जिसे प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस पे लगता है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है. देखिए यहां पर बताया भी गया है, सोइंग बाई दिस मेथड सेव टाइम, सोइंग बाई दिस मेथड सेव टाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बर्ड्स. जब वो थोड़ा सा डेप्थ में लगाएगा तो बर्ड उसे, चिड़िया उसे चुभ के नहीं ले जाएगी. अगर हम ऊपर ही ऐसे छीट देते हैं तो चिड़िया चुभती है तो थोड़ा सा लॉस भी होता है. सीड ड्रिल लॉस को भी बचाता है, समय के लॉस को भी बचाता है. अगला जो है वो वीडिंग है. सॉरी ये क्या आ गया, अगला जो है वो वीडिंग है. क्या है? वीडिंग. जो नेक्स्ट दिया गया है वो वीडिंग है. तो स्टूडेंट आपको ध्यान होगा, नोट्स के वीडियो में हमने वीडिंग के बारे में भी डिटेल में बताया है. वीड क्या है? वीड्स जो है ये अनवांटेड प्लांट है. ये क्या है? अनवांटेड प्लांट. ये अनवांटेड प्लांट है, अनचाहे प्लांट है, जो क्रॉप के साथ ही ग्रो कर जाते हैं और फिर जो है ये क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं. हमने एग्जांपल याद दिया था कि अगर चार रोटी आपके पास है और खाने वाले आप अकेले हैं तो चारों आप खाएंगे, लेकिन चार रोटी आपके पास है और तीन लोग और आ जाएं आपके घर में तो अब एक एक रोटी मिलेगी. तो आपको जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला ना, कम मिला. सेम वही क्रॉप प्लांट के साथ होता है. जितना न्यूट्रिएंट क्रॉप प्लांट को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कंपटीशन हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट ये वीड्स भी लेने लगते हैं. तो इसीलिए वीड को निकालना जरूरी होता है. तो रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. फील्ड से वीड्स को बाहर करना ही क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है. कुछ वीड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ज़ैंथियम है, चौलाई जिसे हम चौराई कहते हैं, सब्जी भी बनती है, ये सब वीड्स के एग्जाम्पल है. पार्थेनियम है, ये भी वीड का एग्जाम्पल है. ये कुछ कॉमन वीड्स हैं जो जनरली हमारे खेतों में अपने आप ग्रो कर जाते हैं. यहां पर वही लाइन दी गई है जो मैंने बताया कि ये न्यूट्रिएंट, लाइट और स्पेस के लिए क्रॉप के साथ हमारे क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं वीड. इसलिए इनको निकालना जरूरी होता है. इसीलिए इनको क्या होता है? निकालना जरूरी होता है. अब स्टूडेंट यहां पर इसी पॉइंट में यहां पर दिया गया है सम इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड. कुछ इंपॉर्टेंट वीडिंग मेथड है जो हम वीडिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, तो कुछ मेथड यहां पर दिए गए हैं, चलें देखते हैं. इसीलिए स्टूडेंट हम कह रहे थे ये लॉन्ग आंसर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, इसमें चार प्रोसेसेस के बारे में डिटेल से बताना है. तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड की बात करें वीडिंग की, तो वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग वीडिसाइड. कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जिन्हें हम वीडिसाइड कहते हैं. क्या कहते हैं? वीडिसाइड कहते हैं. वो केमिकल्स करते क्या है, जब हम उनका छिड़काव करते हैं खेतों में तो ये केमिकल्स इस तरीके से केमिकली डिजाइन होते हैं कि ये क्रॉप को हार्म नहीं करते, केवल वीड्स प्लांट पर एक्टिव होते हैं, उन्हीं को जला देते हैं. तो हम केमिकल यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं. हम केमिकल्स को क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर सकते हैं. वही पॉइंट यहां पर दिया, वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप. क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होते. हमने बताया ये केमिकली इस तरीके से बने होते हैं कि ये क्रॉप प्लांट पर असर नहीं करते. टीलिंग बिफोर सोइंग, इसके बारे में भी हमने बताया. बीज को लगाने से पहले जब टीलिंग करते हैं तो वीड, जब खेत को जोतते हैं, प्लोइंग करते हैं, तो वीड अपने आप रिमूव हो जाता है. फिर मैनुअली हम एक दो आदमी लगा दें, वो दिन भर में सारे वीड को बाहर कर देगा निकाल के. तो मैनुअली भी कर सकते हैं. और यहां पर वही बताया गया है, द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी, इन्वॉल्व रेगुलर अपरूटिंग ऑफ द कट, अपरूटिंग एंड कटिंग ऑफ द वीड क्लोज टू द ग्राउंड. देखा होगा ना, गांव जाते होंगे आप खुरपी लेके, कुछ लोग ऐसे हर घास वास छीलते रहते हैं, तो खुरपी लेके वो वीड को भी खेत से निकालते हैं. थोड़ा समय लगता है,
थोड़ा समय लगता है लेकिन ये सही है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। बाकी वीडिसाइड यूज करेंगे तो वो हार्मफुल है। वीडिसाइड हमारे लिए हार्मफुल है। क्रॉप यहाँ पर देखे कंफ्यूज नहीं होंगे, बताया गया ना कि वीडिसाइड क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होता लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगर वो हम इनहेल कर लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है और फिर वो हमें इरिटेशन करता है। एलर्जी अगर है तो हमें छींक आने लगेगी, हमारी आंखों में जलन महसूस होगा। अगर हम हाथ पे लगा हुआ है और गलती से मुंह पे ऐसे जो है अपनी टंग पर रख लें तो वो जहरीला है हमारे लिए, तो इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल है वीडिसाइड। तो वीडिसाइड बहुत तेजी से वीड्स को खत्म करता है, लेकिन अगर हम वीडिसाइड जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो फिर आप देखेंगे कि हमें अपने नाक को, आंख को और हाथ में जो है ग्लव्स पहन के ही वीडिसाइड को स्प्रे करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर जो है तो वही बताया गया कि मैनुअली खुरपी से, मैनुअली किससे, खुरपी से वीडिसाइड को क्या किया जाता है, खेत से बाहर कर दिया जाता है। चले आगे आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आंसर को थोड़ा जल्दी डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नोट्स पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो लास्ट तो टच करो तो ये पता नहीं क्या इस पे आ जाता है। जो लास्ट है हमारा थ्रेसिंग है। क्या है थ्रेसिंग? इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बताया ना थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जब हम स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो हार्वेस्टिंग करने के बाद हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट से ग्रेन को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। तो क्या है थ्रेसिंग, चले पढ़ते हैं। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम चाफ। जो भूसा या पैरा होता है उससे ग्रेन को अलग करना। चाफ मतलब जो पैरा होता है, जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं फसल को तो हम देखते हैं सीकल से हम पूरे प्लांट को जड़ के ऊपर से काटते हैं, केवल ग्रेन को ऐसे हम चुनते नहीं, तब तो सालों बीत जाएंगे हम ग्रेन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो चाफ से, किससे, पैरा से, चाप से ग्रेन को अलग करना ही क्या है थ्रेसिंग है। क्या है? इट इज डन बाई हार्वेस्टिंग द क्रॉप। इट इज यूजुअली कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हम थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग करने के बाद ही करते हैं, पहले थ्रेसिंग नहीं करेंगे। पहले फसल को हम काटेंगे, देन ग्रेन को अलग करेंगे। और एक कंबाइन मशीन होती है, कंबाइन मशीन हार्वेस्ट भी करती है। अभी हमने जो अटैच किया था एक जो है डायग्राम, वहां पर हमने बताया था वो काटती भी चलती है मशीन और एक तरफ से ग्रेन भी निकालते चलती है, तो दोनों काम करती है, इसीलिए उसे कंबाइन कहते हैं। कंबाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि हार्वेस्ट भी करती है और थ्रेसिंग भी करती है। हार्वेस्टिंग भी करती है, थ्रेसिंग फसल की कटाई भी करेगी और चाफ से ग्रेन को अलग भी कर देगी, इसीलिए इसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। दिस मशीन इज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। वही हमने बताया हार्वेस्टर और थ्रेशर का भी ये कंबाइन फॉर्म होता है। इट हार्वेस्ट प्लांट एज वेल एज क्लीन ग्रेन। ये ग्रेन को ये प्लांट को हार्वेस्ट भी करती है और चाप से ग्रेन को अलग भी करती है। तो थ्रेसिंग प्रोसेस आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? चले आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमने कहा था ना स्टूडेंट जब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर पढ़ा रहे थे कि डिटेल में हमें मिलेगा क्वेश्चन आंसर में, तो चले हम कंपेयर करते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इस कॉलम में मैन्योर दिया है, इस कॉलम में फर्टिलाइजर दिया है। पहले मैन्योर की, पहले पॉइंट की बात करें, मैन्योर इज ऑब्टेन नेचुरली बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। स्टूडेंट जब हम मैन्योर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे इसको बनाना बहुत आसान है। याद करो वो कहानी ना, बताया ना कि गांव में आप जाएंगे तो एक गड्ढा होता है, उसमें एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, ये सब डाल के डाल दिया जाता है। घरों से जो डिग्रेडेबल वेस्ट निकलता है जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी का छिलका, ये सब डाल देते हैं, वो सड़ के कुछ दिन में क्या बन जाता है? मैन्योर। तो मैन्योर किससे बनता है? ये नेचुरली
डेड प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है, जबकि फर्टिलाइजर किससे बनता है? ये केमिकल से बनते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा ना, बताया था फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनता है और पूरी तरीके से केमिकल से बनता है। किससे बनता है? एंड आर नॉट टिपिकली नेचुरल, ये नेचुरल नहीं होते, ये पूरी तरीके से केमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कौन? फर्टिलाइजर। चले दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट। हमने मैन्योर पढ़ा था, इस चीज को बताया, मैन्योर में न्यूट्रिएंट कम होता है, लेकिन थोड़े थोड़े सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, सब कुछ होते हैं थोड़े थोड़े। जबकि फर्टिलाइजर इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर में न्यूट्रिएंट लेस होता है, कम होता है, रिच नहीं होता, जबकि फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट कैसा होता है? रिच होता है। कैसा होता है? रिच। वो भी कैसे? नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। कौन कौन से? नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, और इन्हीं को प्लांट की ज्यादा जरूरत होती है। मैन्योर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, मैन्योर में बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो कहीं पर मैन्योर अच्छा है तो कहीं पर वो अच्छा है, लेकिन एक्सेस यूज हमेशा फर्टिलाइजर का क्या होता है? हार्मफुल। मैन्योर का एक्सेस यूज हार्मफुल नहीं होगा, थोड़ा बल्की होगा, गोबर ओबर से बना होता है तो खेत में फैला देंगे, पानी डाल देंगे तो अजीब सा स्मेल करेगा, बल्की हो जाएगा, लेकिन हार्मफुल नहीं होता उसका एक्सेस यूज। फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज हार्मफुल होता है। मैन्योर इज स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। मैन्योर बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है प्लांट के द्वारा, जबकि फर्टिलाइजर इज भाई केमिकल, वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, वो अपने उस फॉर्म में बनाए ही जाते हैं प्लांट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना हो। जैसे नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट नहीं करना होगा जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, वो उसी कंपाउंड में होंगे ही नाइट्रेट और नाइट्राइट, प्लांट सीधे एब्जॉर्ब करेगा। तो मैन्योर को प्लांट को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है, जबकि फर्टिलाइजर बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर आते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। हाँ ये है मैन्योर ह्यूमस, मैन्योर पढ़ाते टाइम हमने बताया था मैन्योर ह्यूमस रिच होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा सॉइल में ऐड कर देता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है उसमें ह्यूमस नहीं होता, थोड़ा सा भी ह्यूमस नहीं होता। तो मैन्योर में ह्यूमस होता है, फर्टिलाइजर में ह्यूमस नहीं होता, जो सॉइल के टेक्चर को बढ़ाता है। तो ह्यूमस रिच कौन होता है? मैन्योर। ह्यूमस किसमें नहीं होता? फर्टिलाइजर में। मैन्योर आर प्रिपेयर्ड नेचुरली इन द फील्ड, ये तो पहले भी पॉइंट में क्लियर हुआ। मैन्योर को हम फील्ड में बना सकते हैं, एक गड्ढा खोद के उसमें बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर को कहां बनाते हैं? फैक्ट्रियों में बनाते हैं। कहां बनाते हैं? हमेशा फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। दीज डू नॉट इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिलेटिविटी। मैन्योर सॉइल रिलेटिविटी के फिजिकल कंडीशन को नहीं इंप्रूव करता। जैसे सॉइल कितनी इंपरवियस होगी वाटर के लिए, सॉइल एयरी के कितनी ज्यादा हो जाएगी, ये सब मैन्योर नहीं इंप्रूव करता। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो सॉइल के फिजिकल कंडीशन को क्या करता है? इंप्रूव करता है। उसमें पोर अपने आप धीरे धीरे जो है वो एयरी बना देगा, उसमें जो है उसके टेक्सचर को बैलेंस कर देगा, ये सब करने का काम जो है फर्टिलाइजर कर देता है। मैन्योर डज नॉट, ये नॉट पे कट हो गया है, ऐसा नहीं है, मैन्योर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट और सॉइल। लास्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैन्योर प्लांट और सॉइल पर कोई बैड इफेक्ट नहीं करता। मतलब हम डाल देंगे, ये थोड़ा बहुत मिनरल न्यूट्रिएंट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई पोल्यूशन फैलाएगा। ये ना तो सॉइल पर ना तो प्लांट पर कोई बैड इफेक्ट नहीं करता मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर जो होते हैं, अगर इनको हम एक्सेस अमाउंट में, हम बार बार बता रहे हैं, फर्टिलाइजर का अगर हम एक्सेस लार्ज क्वांटिटी में अगर हम यूज कर लेते हैं, तो ये सॉइल के लिए भी और प्लांट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ये सॉइल के लिए भी और प्लांट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। ये प्लांट को जला देते हैं, सुखा देते हैं, सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। तो 5 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट किया स्टूडेंट। जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो बचे हुए 5 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड डे।